हेलो एंड वेलकम बैक टू बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी घेवर। देखने में ये ऐसा लगता है कि मानो इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप बहुत ही आसानी से घेवर को घर में बना पाएंगे। परफेक्ट घेवर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज की वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, साथ ही मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपके घेवर भी इतने ही अच्छे और जालीदार बन के आ पाएं। तो आज की रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी का सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है। साथ ही हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मलाई घेवर, तो इसके लिए हम तैयार करेंगे रबड़ी, और रबड़ी भी ऐसी कि एकदम परफेक्ट लच्छेदार होगी। रबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 लीटर फुल फैट दूध। दूध जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी रबड़ी बनकर आएगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। अच्छे से मिक्स करें और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। पूरी रेसिपी के दौरान हमें फ्लेम को या तो मीडियम पर रखना है या फिर लो पर रखना है। अच्छे से स्टर करें ताकि लम्स ना रहें। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ केसरिया रबड़ी, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ धागे केसर के। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब गैस की फ्लेम को लो पर कर दें और दूध को बिना हिलाए इस पर मलाई आने दें। 3 से 4 मिनट में ही दूध के ऊपर हल्की हल्की मलाई आ जाएगी। इस मलाई को आप एक साइड से करते जाएं और फिर से हम दूध को चला देंगे। इसे स्टर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो दूध नीचे से जल जाएगा। 3 से 4 मिनट बाद फिर से मलाई आ गई है और आप इसे फिर से एक तरफ कर दें। और जब भी आपको दूध स्टर करना हो, मलाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप तले को टच कराते हुए स्पैटुला से इसको अच्छे से स्टर कर दें। यहाँ रबड़ी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून पिसा हुआ काजू। यहाँ मैं काजू का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो काजू को भिगोकर फिर उसे मिक्सर में पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं। काजू पाउडर या काजू के पेस्ट की वजह से रबड़ी भी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। पैन के किनारों को क्लीन करते रहें। यहाँ रबड़ी को मैं पैन के किनारों पर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि मलाई जल जाए और रबड़ी का टेस्ट खराब हो जाए। हर 3 से 4 मिनट में थोड़ी मलाई बन जाएगी, बस हमें उसे हटाते जाना है और दूध को स्टर करते रहना है। अब आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। रबड़ी बनाते समय ध्यान रखें कि दूध को हमें लगातार स्टर नहीं करना है। 3 से 4 मिनट बाद जब भी मलाई ऊपर आ जाए तब आप मलाई को हटाएं और फिर से हम दूध को स्टर कर देंगे। जब भी आप स्पैटुला को दूध में घुमाएंगे तो आप तले को ज़रूर क्लीन करते जाएं, जिससे कि दूध नीचे की तरफ चिपके नहीं। और अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत थिक हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लगभग 1.5 टेबल स्पून चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून इलायची पाउडर। चीनी डालने के बाद में हमें रबड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक और पकाना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ये अभी ठंडा होने के बाद में और ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा रबड़ी को हमें थिक नहीं करना है। रबड़ी का हर रेशा एकदम जूसी रहे, इसके लिए आप पैन के किनारों को ज़रूर क्लीन कर लें। और अब गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने दें। और ये देखिए ये कितने रेशेदार और एकदम लच्छेदार टाइप बनी है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ पिस्ता। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दें और इसे ठंडा होने दें। इसे ठंडा होने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। अब रबड़ी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ठंडे होने के बाद में ये कितनी थिक हो चुकी है। आपको जिस दिन भी घेवर बनाने हो, आप 2 से 3 दिन पहले भी रबड़ी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ताकि जिस दिन भी आपको घेवर बनाने हो आपका काम हैसल फ्री हो। रबड़ी के बाद में अब बारी आती है चाशनी बनाने की। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी और साथ ही 1/2 कप पानी। और साथ ही इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें और अच्छे से स्टर करें। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। घेवर के लिए बहुत ज़्यादा थिक चाशनी की ज़रूरत नहीं होती है। और जितनी क्वांटिटी मैं घेवर के इंग्रेडिएंट्स की ले रही हूँ उसके लिए इतनी चाशनी एकदम परफेक्ट है। उंगलियों के बीच में थोड़ी सी चाशनी को रखकर आप चेक कर सकते हैं कि 1 तार बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 1 तार बन रहा है तो इट मीन्स आपकी चाशनी तैयार है।
और अब इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून नींबू का रस। अच्छे से स्टर करें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें। चाशनी बन जाने के बाद में आप इसको किसी कंटेनर में या फिर किसी बोल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो चाशनी बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो इसे 1 से 2 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। तो चाशनी बनके तैयार है और अब बारी आती है घेवर के लिए बैटर तैयार करने की। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप घी। यहाँ मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। साथ ही हमें इसमें ऐड करने हैं 3 से 4 आइस क्यूब्स। और अब इन दोनों चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से फेंटेंगे। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हाथ से करना ज़्यादा कन्वीनियंट है और बहुत ही ईजीली ये हो जाता है। 5 मिनट के अंदर ही ये इतना फ्लफ़ी हो गया है। घेवर का बैटर तैयार करने के लिए मैं सिर्फ एक ही बोल यूज़ करने वाली हूँ और इसी बोल में हम पूरा बैटर तैयार कर लेंगे। वैसे भी किसी भी रेसिपी को बनाते वक्त जब हम कम बर्तनों का यूज़ करते हैं तो हमारा किचन भी मैसी नहीं होता है और हमें रेसिपी बनाने के बाद में आफ्टर शॉक्स नहीं लगते हैं। और बहरहाल इसमें मैंने अब ऐड कर दिया है 300 ग्राम मैदा, साथ ही 1 टेबल स्पून बेसन। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। बोल के नीचे नैपकिन रख लें ताकि जो ठंडक है वो बाहर ना जाए, यानी हमें बैटर को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखना है। मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिल्ड पानी, यानी हमें एकदम ठंडा पानी इसमें यूज़ करना है। जितना हो सके उतना ठंडा पानी यूज़ कीजिए। आप चाहें तो इस स्टेप को मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही ज़्यादा सहूलियत भरा बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर। मैं तो यहाँ पर एक ही बोल में पूरा बैटर तैयार करने वाली हूँ। अच्छे से मिक्स करें और इसमें पानी ऐड करते रहें। 300 ग्राम मैदा में लगभग 1 लीटर पानी यूज़ होगा। अच्छे से ब्लेंड करें और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। और ये लीजिए, फाइनली पूरा 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये लीजिए, विदाउट एनी मेस हमारा बैटर तैयार है। और अब आती है हमारी एक सीक्रेट टिप। इस बैटर को हमें रखना है एकदम ठंडा। इसके लिए मैं एक बड़े बोल में डाल रही हूँ चिल्ड पानी और कुछ आइस क्यूब्स, और इस बैटर वाले बोल को मैंने बड़े बोल के अंदर रख दिया है जिससे कि ये एकदम चिल्ड रहे। और इस बैटर को तेल में डालने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक सॉस डिस्पेंसर। बेशक आप बैटर डालने के लिए चमचे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो डिस्पेंसर यूज़ करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे आप बहुत ही सहूलियत से घेवर बना पाएंगे। तो घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी और इसको हमें मीडियम गर्म करना है। और जिस भी पैन में आप घेवर बनाएं उसे आपको केवल 1/2 ही घी से भरना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर बैटर डालते हैं तो वो एकदम से ऊपर की तरफ आता है, और अगर आप ज़्यादा घी डाल देंगे तो सारा आपका गैस स्टोव खराब हो जाएगा। और इस तरह से बीच में हमें बैटर डालना है, और आप देख सकते हैं कि डिस्पेंसर की वजह से कितना नीटली ये बैटर पड़ रहा है। बैटर डालने के बाद में जब इसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाए फिर हम दोबारा से इसमें बैटर डालेंगे। अगर आप बैटर डालने के लिए चमचे का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी ऊंचाई से डालें। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस बैटर को डालने के लिए डिस्पेंसर का यूज़ करें। डिस्पेंसर यूज़ करना बहुत ही सहूलियत भरा है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। कई बार आप जब चमचे से इस बैटर को डालते हैं तो घी उछल के आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन जब हम बैटर को इस डिस्पेंसर से डालते हैं तो आप ईजीली बिना किसी परेशानी के घी में बैटर को डाल सकते हैं। आप जितना मोटा घेवर चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर बैटर डालना है। 1 से 2 घेवर बनाने के बाद में आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितनी बार आपको बैटर इसमें डालना है, ताकि आपका जितना भी रिक्वायर्ड इसकी मोटाई हो घेवर की वो आपको मिल जाए। और आप देख सकते हैं कि पैन के साइड में एकदम जालीदार घेवर बनना शुरू हो गया है। घेवर बनाते वक्त 2 बातों का बहुत ध्यान रखें। एक तो जिस पैन में भी आप घेवर बना रहे हैं उसमें घी 1/2 तक ही भरा हुआ हो। दूसरा, जो बैटर आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो। घेवर बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए, एक बार जब आप घर पर घेवर बनाएंगे तो आपको बाज़ार का घेवर पसंद ही नहीं आएगा,
और बहुत ही आसानी से बहुत कम खर्चे के साथ में आप घेवर आराम से घर पर बना सकते हैं। और अब मैं इसमें बैटर नहीं डाल रही हूँ, इसे पकने दे रही हूँ। और ये देखिए, ये हमारा घेवर एकदम तैयार है। इसे आप बहुत ही सावधानी के साथ में पैन से निकाल लीजिए और किसी भी बर्तन में हमें इसे थोड़ा टिल्टेड पोजीशन में ही रखना है ताकि इससे एक्स्ट्रा घी बाहर आ सके। और इसी तरह से हमें बाकी के घेवर भी बनाने हैं। तो फाइनली सारे घेवर मैंने तल के तैयार कर लिए हैं। इतने बैटर में लगभग 10 घेवर मेरे बन के तैयार हुए हैं। चाशनी हम पहले ही तैयार कर चुके हैं, उसके साथ में रबड़ी भी हमारी तैयार है। और अब बारी आती है घेवर को पागने की, यानी इस पर शुगर सिरप डालने की। घेवर पर चाशनी डालते वक्त ये ध्यान रखें कि घेवर को आप इस तरह के किसी भी जालीदार स्टैंड पर रखें ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो नीचे सीप कर जाए। अच्छे से चाशनी डालने के बाद में हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे। मैंने यहाँ चाशनी में केसर नहीं डाली है, अगर आप चाहें तो चाशनी बनाते वक्त इसमें कुछ धागे केसर के भी डाल सकते हैं। और चाशनी के बाद में अब इसके ऊपर लगानी है हमें एक लेयर रबड़ी की। रबड़ी की लेयर आपको कितनी थिक रखनी है ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से इसे गार्निश करें। और साथ ही मैं इस पर लगा रही हूँ चांदी का वर्क। लग रहा है ना देखने में ये कितना अमेजिंग, और कौन कहेगा ये घेवर हमने घर पे तैयार किया है। मार्केट में मिलने वाले घेवर से देखने में भी ये कहीं ज़्यादा सुंदर है और साथ ही ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बेंच क्रेविंग्स।